गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ऋषि मायस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वी हैव दिस आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड आई ऑन डेट। तो पंचलाइन देखिए क्या बात कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंक्रीजिंगली बोरोइंग मोर व्हिच रेजेस रोल ओवर रिस्क। तो क्यों बोरो वो ज्यादा, पहली बात तो कर रहे हैं, मेन सवाल ये है क्योंकि रेवेन्यू का लॉस अगर उनके लिए हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें अगर बोरो करना पड़ रहा है, और उसके बाद अगर उनके जो रोल ओवर रिस्क हैं अगर वो बढ़ रहे हैं, तो कितना जरूरी हो गया है आज की डेट में। मैं कहूंगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर अगर हम फिस्कल डेवोल्यूशन की बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को करती है, क्या स्टेट्स का रेवेन्यू कम हुआ है ओवर द टाइम, खास करके जीएसटी के बाद। और अभी जो इशू आपका थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स द माइनिंग, इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इस आर्टिकल को देखेंगे कि बोरो क्यों ज्यादा कर रहे हैं, और फिर इस बात को समझेंगे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के। सो ईच ऑफ द इंडियन स्टेट्स इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स दैट सपोर्ट इट्स इकोनॉमी एंड द चैलेंजेस इट फेसेस इन मीटिंग इट्स डेवलपमेंटल गोल्स। इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिस्कल आउटकम्स टेंड टू वेरी अक्रॉस द स्टेट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ देयर डेफिसिट्स एज वेल एज देयर स्टॉक ऑफ डेट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि देखो, अगर हम इंडिया के सिनेरियो में बात करें तो एक बहुत ही फिजियोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री है, और स्टेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम एरिया वाइज भी देखें तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे पास बहुत छोटी स्टेट्स भी हैं, यू कैन सी इफ यू टॉक अबाउट गोवा, एंड वी हैव द स्टेट्स लाइक द राजस्थान एज वेल। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि उनके जो फिस्कल आउटकम्स हैं फिर वो भी काफ़ी वेरी करते हैं डेट के सिनेरियोज में भी, और जो डेफिसिट वो मेंटेन करते हैं अपना अपना, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी अपना अपना जो मेंटेन करते हैं वो वेरी करता है। सो दिस इज इन स्पाइट ऑफ द कॉमन रूल्स रिगार्डिंग बोरोइंग्स विच आर इलेबोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बात तो आप ये जानिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर फर्स्ट ऑफ ऑल टू बोरो फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। देश के बाहर से पहली बात तो बोरोइंग हो नहीं सकती। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, दे हैव द पावर टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इफ दे वॉन्ट टू डू दैट एज वेल, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट डज दैट ऑन देयर बिहाफ। सो गोइंग अहेड, द रिकमेंडेशंस ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन विल गाइड द साइज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट एट द स्टेट लेवल फ्रॉम 2026-27 टू 2030-31। वी आर वर्किंग विद द अजम्पशन दैट द स्टेट फिस्कल डेफिसिट विल रिमेन पेग्ड एट 3% ऑफ GDP ओवर द मीडियम टर्म, एंड दिस विल देन प्रोवाइड एन एंकर फॉर द नेट बोरोइंग सीलिंग दैट इज कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कम्युनिकेटेड टू ईच स्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, कि वो कितना किसी पर्टिकुलर साल में उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है एज पर देयर GDP वो कितना बोरो कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस सिनेरियो से हो रही है कि वो मान के चल रहे हैं कि हिंदुस्तान की हर स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो उसकी GDP का 3% जो है वो फिक्स कर दिया जाए, अगर तो ओवर द मीडियम टर्म। द अमाउंट टू बी रिडीम्ड इन ए फिस्कल इज एडेड टू द इंडिविजुअल नेट बोरोइंग सीलिंग अराइव एट द ग्रॉस बोरोइंग्स दैट स्टेट्स आर परमिटेड टू अंडरटेक ईच ईयर। सो लोन्स फ्रॉम द सेंटर यूज्ड टू बी द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डेट अंटिल द 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट द सेंटर डिस इंटरमीडिएट फ्रॉम स्टेट बोरोइंग्स। कि उससे पहले वरना यही होता था कि वो सेंटर से लोन लेते थे क्योंकि उनका जो बोरोइंग का सोर्स था मेन वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही था। Since 2006-07, market borrowings have emerged as the main source of funding the gap between the state government's revenues and expenditures. Well, more recently, state's market borrowings surged rupees 10.1 trillion in 2023-24 from rupees 4.8 trillion
इन 2018-19, एंड एट एंड मार्च अगर हम 2024 के देखें, द स्टॉक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग इज एस्टिमेटेड टू हैव राइजन टू रुपीज 56.5 ट्रिलियन. सो टू प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट हेयर, दिस वॉज इक्विवेलेंट टू अराउंड 55% ऑफ द एस्टिमेटेड आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ऑन दैट डे. यू कैन हैव द कंपेरिजन की सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो अमाउंट है उसका 55% का इक्विवेलेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का स्टॉक है आउटस्टैंडिंग अगर हम एंड मार्च 2024 पे देखें तो. सो हाउएवर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ द स्टॉक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सपैंडेड एट अ फास्टर पेस than that recorded by the government securities which are of the government of India. So based on the current stock of debt, we estimate that the amount of state government securities to be redeemed would jump to as much as rupees 20.7 trillion during 2025-26 and 2029-30 and rupees 18 trillion in the 4 years thereafter, led by Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka and Gujarat, the so-called big states that we have. So this will ensure that the gross market issuance by the state governments will remain elevated during the next 10 years. The amount borrowed by the states in each year and the tenor of the securities issued determines the redemption profile of the stock of market borrowings. जैसे हमने अभी देखा कि आने वाले 10 साल में तो हमें जो है वो elevated ही दिखेगा, क्योंकि अगर हम 16th Finance Commission की recommendations के according अगर जाएं, तो वो 3% के according अगर fiscal deficit को pack कर देते हैं हर state के लिए, तो कहीं ना कहीं जो उनकी limit है, जो नेट बोरोइंग की जो लिमिट है वो भी फिक्स हो जाती है. और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो आउटस्टैंडिंग है जो सिक्योरिटीज का, अगर रिडीम करने की बात आए तो ये 20.7 ट्रिलियन के आसपास होगा आने वाले 5 सालों में, और अगले 4 साल में 18 ट्रिलियन होगा सिर्फ इन 5 स्टेट्स के द्वारा. तो वाकई इससे ये तो पता चलता है कि जो अमाउंट स्टेट्स ने आपकी बोरो करनी है हर साल, और जो सिक्योरिटीज उन्होंने इशू की हैं उसका जो टेनर है जो कि लॉन्ग टर्म में ही होता है. स्टेट गवर्नमेंट्स के केसेस में तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेजरी बिल्स को इशू कर ही नहीं सकते. स्टेट गवर्नमेंटल बॉन्ड जो हमारे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, वो सिर्फ उन्हें ही कर पाते हैं. सो अप टू 2011-12 मोस्ट स्टेट्स बोरोड ओनली इन द 10 ईयर बकेट. However, we have seen a lot of variation in recent years, with some states preferring shorter tenor debt that is below 10 years and a minority borrowing between 15 and 40 years as well. So one of the key risks faced by the issuers of debt is the rollover risk, or the risk of refinancing their debt, that how are they going to make sure that their debt remains sustainable. सबसे बड़ा रिस्क उनका यही है कि उसको वो फाइनेंस कैसे करें. So this risk gets accentuated when the amount to be refinanced is relatively large. The weighted average maturity of the stock of debt outstanding is a useful way of gauging the extent of rollover risk. मतलब kind of एक average आपको जो निकल के आ जाती है. A longer average maturity of the stock would imply that ki a relatively smaller portion of debt would be required to be rolled over in the near term. But agar weighted average maturity stock ki state government securities ke mamle mein, agar hum end March 2024 tak dekhen, to wo 8.5 saal tha, jo ki end March 2019 mein 6.7 years tha. To aap dekh sakte ho ki wo पिछले 5 सालों में जो एवरेज मैच्योरिटी निकल के आई है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, जो स्टॉक की एवरेज अगर हम निकालें, तो वो 6.7 ईयर से बढ़ के 8.5 हुई है. इसके बारे में उसने लिखा है कि दिस थिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इश्यूएंस ऑफ मोर देन 10 ईयर पेपर्स बाय स्टेट्स. बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज अगर आपकी 6.7 से 8.5 गई है, तो इससे पता चलता है कि जो
टेनर सिक्योरिटीज हैं जो कि स्टेट सरकार वैसे भी सिर्फ वही कर सकती है, पर उनका लॉन्ग टर्म टेनर देखने को मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि 2023-24 के अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल बोरोड 75 to 100% ऑफ देयर टोटल इश्यूएंस इन द लॉन्गर टेनर सेगमेंट। द इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर लॉन्गर डेटेड पेपर्स रिफ्लेक्ट द रिलेटिवली अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स फॉर दिस सेगमेंट कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म रेट्स एंड हाईली फ्रंट एंडेड रिडेम्पशन प्रोफाइल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कुछ कुछ सिनेरियोज में अगर हम इस चीज को देखें तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखाता है और थोड़ा स्टेबिलिटी भी शो करता है, बट कहीं ना कहीं यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट द शॉर्टर सिनेरियोज तो रिस्क भी फिर ज्यादा होता है और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम देखें, गुजरात एंड छत्तीसगढ़ वर आउटलायर्स एज ओवर 85% ऑफ देयर बोरोइंग वॉज इन द शॉर्टर टेनर सिक्योरिटीज इन दैट ईयर। ये कंपेरिजन है कि मतलब आप कुछ स्टेट्स के बारे में उनका जो इश्यूएंस है वो लॉन्गर टेनर में देख रहे हो इन कंपेरेटिव टू देर आर टू स्टेट्स जिन्होंने उसी पर्टिकुलर साल में शॉर्टर टेनर में किया। सो कमिंग बैक टू द लोन्स फ्रॉम द सेंटर, एज मार्केट बोरोइंग्स टुक ओवर एंड द एग्जिस्टिंग लोन्स वर रीपेड टू द सेंटर, देयर स्टॉक आउटस्टैंडिंग स्टार्टेड स्लाइडिंग फेयरली रैपिडली। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज के अंदर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इन्हीं लोन्स का होता था, वो जो आगे स्टेट्स को देते थे। पर अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मार्केट बोरोइंग्स का सिनेरियो खुल गया है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनका जो स्टॉक है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि टू न्यू फॉर्म्स ऑफ सच लोन्स इमर्ज्ड एमिडिस द कोविड-19 पैंडेमिक। पहला तो बैक टू बैक जीएसटी कंपेंसेशन लोन्स व्हिच वर रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑन लेंड टू द स्टेट्स एंड आर टू बी रीपेड थ्रू द जीएसटी कंपेंसेशन सेस कलेक्शंस जो कि सेंट्रल सरकार लगा रही है। अनदर कैटेगरी जो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स की है जो सेंटर की तरफ से स्टेट्स को कहा गया है, विच वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द पैंडमिक स्टार्टेड एंड हैव कंटिन्यूड देयर आफ्टर। हालांकि ये जो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं सेंटर के द्वारा, ये चार कैटेगरीज के अंदर है बशर्ते कि स्टेट्स उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में काम करे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर हम इसको मतलब एक कैपिटल इन कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह अगर हम देखें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे लिखा है कि आउट ऑफ द रुपीज 2.7 ट्रिलियन जीएसटी कंपेंसेशन लोन्स रेज्ड ड्यूरिंग 2020-21 एंड 2021-22, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड रीपेड रुपीज 781 बिलियन यूजिंग द जीएसटी कंपेंसेशन सेस कलेक्शंस। और जो बच गया उसमें से 551 बिलियन इज ड्यू फॉर मेच्योरिटी इन जून एंड नवंबर 2025 एंड 1.4 ट्रिलियन इज इन अप्रैल 2026। एंड मीन वाइल द साइज ऑफ द इंटरेस्ट फ्री कैपेक्स लोन स्कीम, ये जो 50 ईयर्स कोलैटरल फ्री लोन की हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली, has jumped many fold from rupees 118 billion which was in 2020-21 and it has skyrocketed to rupees 1.3 trillion in the budget estimates for this year. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जो उनका आउटस्टैंडिंग स्टॉक है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि 12th फाइनेंस कमीशन के वेक में वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी कम हो गई है मार्केट बोरोइंग्स के बाद, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहती हैं कि फिर वो थोड़ा सा बढ़ता रहे। हाउ मच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूजेस टू एलोकेट अंडर दिस स्कीम इन द कमिंग ईयर्स विल हेल्प डिटरमीन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कैपिटल स्पेंडिंग। सो इट मे ऑल्सो हैव सम इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट दे बोरो फ्रॉम द मार्केट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम जो वेटेड एवरेज हमने जो देखा, जो कि पिछले कुछ सालों में 6 पॉइंट कुछ जो उन्होंने कहा था, लाइक 6.7 ईयर्स से जो बढ़ के 8.5 ईयर्स पे आ गया है, तो वो लॉन्ग टर्म टेनर के बेसिस पे हुआ है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना जो है वो रिसोर्स उनको एलोकेट करती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कितना फिर अब बोरो करेंगी। क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनको
उनके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में बैलेंस अगर मेंटेन करना है, और अगर उन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं से सेंटर की तरफ से उनको ज्यादा पैसे जो हैं वो अगर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे वुड नॉट वांट टू यू नो हैव दैट सो कॉल्ड हेडेक ऑन देयर माइंड कि फिर उन्हें उस डेट को रीफाइनेंस करना है. हालांकि रीफाइनेंस उन्होंने सेंटर की तरफ से भी करना है, बट यू यू नीड टू सी दिस स्कीम. दे आर टॉकिंग अबाउट कोलैटरल फ्री, यू नो, इंटरेस्ट फ्री. उसके पीछे कोई देना लेना नहीं है उनको. तो ये थोड़ी सी बात है इस आर्टिकल के अंदर जो हमने आर्टिकल में शुरुआत किया था, और मैंने बताया भी था आपको कि हमें पहले ये जानना है कि वो बोरो कर ही क्यों रहे हैं. और रोल ओवर रिस्क जो आपने देखा, जो कि रीफाइनेंस करने का है, दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन. सो डेफिनेटली लाइक ऑन अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर हम देखें तो हम दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे. स्टेट्स के केसेस में जो ये डेवोल्यूशन ऑफ द पावर्स हुआ है, तो हम चाहेंगे कि ये बना भी रहे, पर दूसरी तरफ हम ये भी चाहेंगे कि स्टेबिलिटी भी दिखे और कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारे पर्टिकुलर स्टेट्स का वो सस्टेनेबल लिमिट्स के बाहर ना जाए. तो मेन बात यही है. और अभी के लिए अगर हम देखें तो ये आर्टिकल हमें दिखाता है कि सिनेरियो जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है. हालांकि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के अंदर पैसा कितना लग रहा है या कितना नहीं, वो मतलब एक अलग डिस्कशन है जिसके बारे में हमें अलग से चर्चा करनी होगी, और किसी और आर्टिकल में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ वी कैन सी कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डेट दैट द स्टेट्स यू नो हैव. सो दिस इज द आर्टिकल एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट गाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर गाइस.